4, 3, 2, 1, मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन जो कह रहा है, इफ एंगल बे एंड एंगल ई बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं, आपस में दोनों एंगल जो है वो छोटे हैं, यानी 90 से दोनों छोटे हैं, सच दैट cos a इज इक्वल टू cos b, यानी cos a जो है वो cos b के इक्वल दे रखा है, तो बोल रहा है शो दैट एंगल ए जो है वो एंगल बी के क्या है, इक्वल है। तो बेसिकली बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे देखेंगे हम। अगर हमारे को दे रखा है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों ही एक्यूट हैं, तो इट मींस अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, ये तो है मेरा ए बी और सी, ये मेरा एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। अब क्योंकि हमारे किसकी रेशियो की बात कर रहा है, cos a is equals to cos b, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहा है, तो हमारे को पंडित जी को याद करना पड़ेगा, याद कर लेते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले और सोना चांदी तोले, तो बेसिकली cos जो हो जाएगा वो जानते हैं हम, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इट मींस cos a, cos a मतलब हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके लिए जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा ac cos a के लिए और हाइपोटेनियस हो जाएगा ab, और cos b, cos b के लिए जो मेरा बेस हो जाएगा वो हो जाएगा bc अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा मेरा ab, तो ab से ab की आपस में नमस्ते हो जाएगी, हमको दिख रहा है ab और ab आपस में नमस्ते हो जाएगा, तो इससे मेरे पास क्या आया, इससे मेरे पास आया कि AC जो है वो क्या है, BC के इक्वल है। अगर AC और BC आपस में इक्वल है, अगर AC और BC आपस में इक्वल है, तो AC के सामने वाला एंगल B और BC के सामने वाला एंगल AB आपस में इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं एंगल्स अपोजिट टू बी इक्वल साइज आर आल्सो इक्वल, तो देयरफॉर एंगल A जो होगा वो इक्वल होगा एंगल B से, रीजन लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हेंस प्रूव, हमारे को ए प्रूव करना था, तो आपने देखा कैसे बहुत इजी से तीन लाइन में हमारा एक क्वेश्चन हो गया। फिर भी आपको उसके अंदर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो प्लीज डू लेट अस नो, थैंक यू।